वेलकम बैक सुपरफास्ट 200 में। अब देखिए खेल की खबरें। जिम्बाब्वे से दूसरा टी20 मैच कल, पहले मैच में हार के बाद वापसी की चुनौती। श्रीलंका के गेंदबाज शमिंडा इरांगा सस्पेंड, बॉलिंग एक्शन में दोषी पाए जाने के बाद लिया गया फैसला। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से सन्यासी खबर को मिसबाह ने खारिज किया, कहा इंग्लैंड में मैच पर फोकस। यूरो कप में पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के बीच ड्रॉ रहा मुकाबला, दोनों ही टीमें नहीं कर सकी कोई गोल। यूरो कप में रोनाल्डो का निराशाजनक प्रदर्शन जारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी पर चूके। यूरो 2016 में आइसलैंड के खिलाड़ी ने गलती से खुद अपनी ही टीम में किया गोल, हंगेरी के साथ मैच ड्रॉ। कोपा कप की सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने बनाई जगह, वेनेजुएला को 1-4 चार गोलों से मात दी। वेनेजुएला के खिलाफ मेसी ने भी किया कमाल, ग्रेब्रियल बतिस्ता ने 54 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की। कोपा कप की सेमीफाइनल में चिली ने जगह बनाई, मेक्सिको को 0-7 गोलों से करारी हार। अब देखिए बाजार की खबरें। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी के चीफ एमबी शाह का बयान, नई स्कीम में आय का खुलासा नहीं करना बेहद कठिन। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बुरी खबर, फ्लिपकार्ट स्नैपडील को निवेशक नहीं मिलने की खबर। भारत में ब्लैकबेरी की एचसीएल से साझेदारी, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात। भारत में सबसे सस्ती बिकती है कोका कोला, सीईओ जेम्स क्विंसी ने किया दावा। खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। नवाजुद्दीन की फिल्म हरामखोर पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति, रिलीज सर्टिफिकेट देने से किया इनकार। फिल्म सुल्तान से गाना हटवाने के बाद अरिजीत पर बोले सलमान, कौन है अरिजीत मैं नहीं जानता। सलमान ने एडल्ट फिल्मों के सर्टिफिकेट के लिए कोई कैटेगरी बनाने की वकालत की, XXX या XXX जैसे नाम सुझाए। अनिल कपूर हिंदी में बनाएंगे अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड, 2010 में जबरदस्त हिट रही थी फिल्म। फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर रिलीज, फिल्म 6 जुलाई को होगी रिलीज। मार्क्सिस्ट मैगजीन के कवर पेज पर प्रियंका चोपड़ा का हॉट लुक, हॉटेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड चुने गए। फिल्म दंगल के सेट से आमिर ने जारी की नई तस्वीर, पहलवानों से ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं आमिर। दिल्ली के मराना हाउस कॉलेज में हुई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग, श्रद्धा कपूर ने शेयर की हॉस्टल के गर्ल्स के साथ तस्वीरें। हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग में शामिल हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट अर्जुन और श्रद्धा के साथ नजर आए। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पति और बहन के साथ पहुंची शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के साथ सेट पर की मस्ती। मस्ती सीरीज की फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में आफ्ताब, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय का लीड रोल। राजेश खन्ना की फिल्म इत्तेफाक के रीमेक में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसी अंदाज में एक्टिंग की कर रही है तैयारी।